आदिवासी नृत्य दिखाया हमारे देशवासियों को, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर, आप लोग इतनी दूर यानी कि 2000 किलोमीटर से आए, ठीक है, और इन लोगों ने यहाँ अभी यह संस्कृति जीवित रखी है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि इन लोगों ने जो संस्कृति है, जो संस्कृति मतलब पूरे समग्र राज्य में पूरे देश भर में फैले, ताकि इनको भी पता चले कि इन लोगों ने अभी भी अपनी संस्कृति जीवित रखी है। और ये इसकी संस्कृति मतलब सबको रमोमंजन के माध्यम से इसकी संस्कृति प्रोवाइड करते हैं सर। तो हम लोग इनका बहुत, हम इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हजारों साल पहले इस देश में जब आर्य और अनार्य लोगों का संघर्ष युद्ध हुआ था, तो ये हमारे खानदान के, हमारे वंशज के लोग, ये इनका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। यहाँ तक राजा महाराजे भी रहे हैं, लेकिन इस देश के ब्राह्मणवादी हमलावरों ने आकर के धोखे से हमारे राजा महाराजाओं को उनको कत्ल किया, राजपाट और संस्कृति नष्ट की, और ये लोग जंगलों में जा करके छिप गए। लेकिन इन लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे देश की संस्कृति बचा कर रखी है। हमें इन पे गौरव है और एक दिन फिर पुनः हम सब लोग जो हैं इनके साथ, इनको अपना इतिहास जिस दिन याद आ जाएगा, जिस दिन इनको अपना इतिहास याद आ जाएगा, तो देखना इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होकर रहेगी। बचा कर रखना चाह रहे हैं इस भारतीय संस्कृति की वो धरोहर है जिसको कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मिटाने का काम किया गया। सीधी तस्वीरें आप गुजरात से इस आदिवासी नृत्य की देख रहे हैं समता आवाज टीवी पर लाइव पिछले लगभग 20 मिनट से। जितना प्यार आप समता आवाज टीवी को देते हैं, उतना ही प्यार इन बच्चों को भी दें। इन वीडियोस को जन जन तक फैलाने में समता आवाज की मदद करें, शेयर करें। मैं सीधा लेकर चलता हूँ। आज का टीम भांगड़ा के लिए। एक मिनट।
मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ आज के आयोजन के मुख्य अतिथि के पास। बुद्ध मुसाफिर सर हमारे साथ हैं। मुसाफिर सर, ये जो अभी हमने नृत्य देखा, भारतीय संस्कृति की धरोहर आई है, भारतीय संस्कृति की धरोहर को इन युवाओं ने सजो के रखा है। और चलते संतावास टीवी लाइव पर लाइव हजारों दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को पिछले लगभग आधे घंटे से। क्या कहना चाहेंगे इन युवाओं को, क्या आप इधर आ जाइए, इधर आ जाओ भाई साहब, सब लोग इधर आ जाओ। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, वहाँ जाएंगे। मुसाफिर सर हमारे साथ हैं, लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। ये तमाम वो युवा है जो इस भारतीय संस्कृति को सजोए रखे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज इनकी परिस्थिति को देखकर, दिल में खुशी बहुत हो रही है। एक्चुअल में हम लोग गुजरात के जो दौरे पर हैं जी, और गुजरात में आज मैं संस्कृति को देख रहा हूँ। इन लोग ने अपनी संस्कृति और कला और अपने जो शारीरिक क्षमता है, जो आर्ट है, जो धरोहर है, जो हर देश की एक अपनी संस्कृति होती है और उसके परंपरागत नृत्य होते हैं, और जो आदिवासी समाज का जो नृत्य होता है, सबसे नृत्य को इन लोगों ने दिखाया। इससे भारत की जो विविधता है और विविधता में भी अनेकता है, और वो आप भाषा से, नृत्य से, संस्कृति से, ये सब आप देख सकते हैं। और बच्चा लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करके जितने भी उत्तराखंड और आपके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली से जो साथी लोग आए थे, उनके समक्ष इन लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति किया और कल्चर को जीवित रखा। इसके लिए उनको लोगों को खुशहाल थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच पूरी टीम को, थैंक यू। चलिए अपना अपना नाम बताइए। लादिन। लादिन कहाँ से है? गुजरात। जय जी रचिया। गुजरात से। हाँ बोलो बोलो। आई एम नदीम। साकिर। फरीद। नवाज। इशाद। तौफीक। उपिन। ये तमाम वो युवा हैं देश के जो इस भारत की संस्कृति को, जैसे कि अभी मुसाफिर सर ने कहा, उसको जीवित करके रखे हुए हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।